हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में आपको योगा सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, जिसका अप्रोक्सीमेशन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यू के बाद बताई। जिस दिन योगा का एग्जाम हुआ था, उस दिन हम लोगों ने एक वीडियो डाली थी स्टूडेंट रिव्यू के नाम पर। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना रिव्यू दिया, जिसके आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। वो उन सारे स्टूडेंट को मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर कमेंट किया। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी दे दूं, हमारे चैनल पर कुछ दिन पहले विकास सर ने एक इंटरव्यू दिया था कि हम पीएचडी इंटरव्यू की अपनी तैयारी कैसे करें। मैं विकास सर के बारे में आपको बता दूं, वो इस समय पीएचडी कर रहे हैं। तो उन्होंने पीएचडी की अपनी टिप्स दी थी कि हम पीएचडी की तैयारी कैसे करें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और मैं साथ ही साथ बता दूं, जो विकास सर थे उनकी ऑल इंडिया रैंक यूजीसी नेट में 1 थी, तो उसकी भी मतलब प्रिपरेशन की उन्होंने बताया था कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पीएचडी की तैयारी हम कैसे करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं बात करूं इस वीडियो की, स्टूडेंट रिव्यू के आधार पर जो ये कट ऑफ मार्क्स बनाए गए हैं, तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है जेआरएफ की, वो 71 से 73% के बीच में जा सकती है। अब मैं आपको एक यहां और बात बता दूं, ये जितने भी मार्क्स दे रखे हैं सब परसेंटेज में दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपने मार्क्स के हिसाब से आप अपने परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, जैसे कि मेरे 300 में 180 मार्क्स आए, तो 180 अपॉन 300 कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 60। यानी कि अगर आप मेरे 300 में 180 मार्क्स आए, तो मेरे मार्क्स 60% आए। अनरिजर्व की जेआरएफ की 71 से 73% के बीच में जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 68 से 70 के बीच में जा सकती है, ओबीसी की 68 से 70 के बीच में जा सकती है, एससी की 65 से 68 के बीच में जा सकती है, एसटी की 61 से 63 के बीच में जा सकती है। अगर हम खाली नेट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली की अनरिजर्व्ड की 61 से 63% के बीच में जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 56 से 58% के बीच में जा सकती है, ओबीसी की 58 से 60% के बीच में जा सकती है, एससी की 57 से 58% के बीच में जा सकती है, एसटी की 54 से 56% के बीच में जा सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें, हम उसके एक्सपर्ट से ये चीज बता करके उनसे आंसर लेंगे और आपको जल्द से जल्द बताएंगे। हमारे चैनल कंपटीशन लेवल पर कंपटीशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है और हर कॉम्पिटिशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है उनके एडवाइस के लिए। सो प्लीज हमारे चैनल कॉम्पिटिशन लेवल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।